हेलो दोस्तों, सेफ टेक बंडल में आपका स्वागत है। गाइस, आज हमारे पास एक इन्फिनिक्स का एक फ़ोन आया हुआ है। तो गाइस, इसमें जो इशू आ रहा है गाइस हमारा ये हो रहा है रीस्टार्ट। अगर चलता भी है तो इसको हम चार्जर लगा करके चला पा रहे हैं। गाइस, इसमें अगर हम बिना चार्जर के इसको यूज़ करते हैं, कोई वीडियो वगैरह प्ले करते हैं, तो हमारी डिवाइस रीस्टार्ट हो जाती है। तो गाइस, इसमें बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे टेक्नीशियन सीधी बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं है, बैटरी भी रिपेयर हो सकती है। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे कि हम अपनी बैटरी को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस, बने रहिए हमारी वीडियो में। गाइस, वीडियो को पूरी देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। तो गाइस, देख सकते हैं अभी हमने बैटरी को ओपन कर दिया है। इसमें एक हमारी कॉइल लगी होती है, उस कॉइल को हमें निकाल करके सीधा उसको जंपर कर देना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अब हम इस कॉइल को बाहर निकालेंगे और दोनों सिरों को शॉर्ट कर देंगे आपस में। गाइस, ये बहुत आसान ट्रिक है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसको आप नॉर्मल टेक्नीशियन भी हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, बट आपको बहुत ध्यान से काम को करना होगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने अपनी कॉइल को बाहर निकाल दिया है। अब हम इसको जंपर करेंगे और इस दोनों पॉइंटों को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने से जो हमारी सप्लाई ब्रेक हो रही थी, हमारी सप्लाई ओके हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम इसमें आ रही थी वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। गाइस, ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। गाइस, ऐसी आपको फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमसे जुड़े, हमारे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दें। गाइस, अभी आप देख रहे हैं जैसे वीडियो में, अभी हमने इसमें जंपरिंग कर दिया है, अब हम इसको सेट करके देख रहे हैं। गाइस, ये 101% वर्क करती है ट्रिक, बट आपको ये भी ध्यान देना है कि बैटरी हमारी फूली ना हो। अगर बैटरी फूली होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कुछ को काम करने का। बैटरी फूली ना हो, सेल उसका कहीं से डैमेज ना हो। अगर आपको लग रहा है कि बैटरी हमारी फ्रेश है और वैसी कोई समस्या नहीं लग रही है, तो आप उसको तभी रिपेयर करें। वैसे अगर आपकी बैटरी फूली हो या कुछ उसके अंदर ऐसी कंडीशन हो, तो उसको रिपेयर आप बिल्कुल ना करें। गाइस, साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो भी आप हमें राय देंगे हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें, और आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।